हुआ था कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स मेरे लिए बहुत ही नई बात है, मगर मैं इस पॉलिटिक्स को एक जमाने से देखते आ रहा हूँ, मगर इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था। आज मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ हूँ और खुशी ये हो रही है, आजकल लोग जो जुड़ते हैं मैं देख रहा हूँ कि कुछ अलग तरीके से जुड़ते हैं, मगर मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं दिल से और यहाँ के वोटर्स हैं मेरे साथ खालिस, कोई दूसरी जगह के लोग मैं समझता हूँ नहीं के बराबर है। और अंदर जाने के बाद मुझे कुछ इस तरीके के चीजें भी देखने को मिली कि कई जो है लोग आजाद उम्मीदवार अपने अपने नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं, उसके साथ एक एक पार्टी के 10-10 कैंडिडेट है, एक पार्टी के 10-10 कैंडिडेट है मैं देख रहा हूँ, तो एक पार्टी जो यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रही है उसके भी लोग हैं, उसके भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहरहाल मैं मेरे अपने वोटर से मेरा सिर्फ गुजारिश है, इस इलेक्शन में मेरा इलेक्शन डिफरेंट है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अपोनेंट कौन कौन है, कौन आजाद है, कौन सी पार्टी ठहरी, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई लीडर से मुझे कोई लेना देना है, ना वो जो डेवलपमेंट किया नहीं किया वो तो आवाम को मालूम है। मैं सिर्फ मेरे वोटर से ये कहना चाहता हूँ, आपका भाई ईसा मिश्री आपके बीच आ रहा है, उसे भारी अक्सरियत से जिताइए, उसे एक मौका दीजिए और वो जो आपके सामने काम करके बताएगा। मिसाल के तौर पे जो हमारे एरियो में जो नौजवान लड़के हैं जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनके लिए मैं जो स्टेट में जो फर्स्ट आएगा मैं हमारी हुकूमत आने पर इंशाल्लाह उन्हें गोल्ड मेडल जो यहाँ स्टेट पे लेगा उन्हें नौकरी गवर्नमेंट नौकरी की पूरी कोशिश करूँगा। और अपने एरियो में जितना हो सकता है जहाँ पे स्लम एरिया है, जो गरीब एरिया है, जहाँ पे बुनियादी सहूलतें नहीं है, वहाँ पे मैं फौरी बुनियादी सहूलतों के ऊपर काम करूँगा। और जो स्मॉल इस बहने मेरी घर में बैठी है पढ़ी लिखी, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखती हो, मैं मजहब को बाद में देखूंगा, पहले इंसानियत के लिए काम करूंगा। इंसान अगर इंसानियत के लिए काम करेगा तो वो इंसानों को फायदा पहुंचेगा, बाद में जीने के लिए अपने ऊपर वाले को मनाने के लिए मजहब काम में आएगा। तो अब यहाँ पे जरूरत है हमें लड़कों को एजुकेशन की और बस्ती के दवाखानों की, और यहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें हैं, देखिए चंद्रयन गुट्टे से बारकस तक जा रहे, कल मेरी गाड़ी को टक्कर होते होते बची, आधी रोड से लोग चल रहे हैं, ये डेवलपमेंट है हमारा? खैर वो डेवलपमेंट नहीं है। आपके भाई को आप यहाँ पे लाइए और जरूर लाएंगे, मुझे पूरा मेरे अपने वोटर्स पे भरोसा है, क्योंकि वो लोग मुझे यानी कि क्या बताना चाहिए कि बस चुन लिए हैं। मैं अब सिर्फ सेवा 7 के बाद इंतजार करूंगा, 10-11 जब हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे आपका भाई भारी अक्सरियत से जीतेगा। और एक खास बात सारे वोटर्स के लिए, वोकस वोट मत डालें, एक ही वोट डालें, चाहे मुझे डालें या अपने पसंदीदा कैंडिडेट को डालें, मगर मेरी मेजॉरिटी ज़्यादा है क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डालने की प्रॉमिस किए हैं। और एक वोट डालें, ये फोकसिंग अगर बंद होगी तो हमारा जो निज़ाम है, जो सेकुलर यानी कि हम जो क्या बोले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ का, उसको और हम मजबूत कर सकते हैं। कोई भी लीडर अवाम के बिना वोट के नहीं जीत सकता, वो अगर वो फोकसिंग भी करेगा तो देखिए आपको गवर्नमेंट बहुत बुरी सजा देने वाली है, आपके बहुत स्ट्रिक्ट है। आप अपना सिर्फ अपना वोट डालें, ये भी मत करें कि मेरे भाई का वोट मैं डाल रहा हूँ, मेरी बहन का वोट मैं डाल रहा हूँ, वो भी नहीं होना। आपके नाम का वोट आप इस्तेमाल करें और मुझे भारी अक्सरियत से जिताएं। आपका भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वजह से शामिल हुआ है, अब तेलंगाना में मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह जो लहर चल रही है सिर्फ कांग्रेस लहर चल रही है, अब की आने वाली हुकूमत भी कांग्रेस है। अगर आपके भाई को इस हलके से आप जिताएंगे, अगर वो उस कांग्रेस के हुकूमत का हिस्सा बनेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि जिस पार्टी से MLA रहता है अगर उसी की पार्टी MLA यानी कि यहाँ हुकूमत बनाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और मैं वादा करता हूँ VIP या VVIP MLA नहीं रहेगा, आपके बीच रहेगा और आपके बीच रह के आपका भाई बेहतरीन काम करेगा। और सब के लिए मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं महिला हैं उसे ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें और मैं जल्द से जल्द आपके बीच आते रहूँगा। कुछ यहाँ पर ये जो पार्टीज की तरफ से ज़्यादा जो आज़ाद उम्मीदवार को ठहरा रहे हैं उसकी वजह से
पूरा सिस्टम जाम कर दिया है। जब भी हम परमिशन को डाल रहे हैं हमारा परमिशन कैंसिल हो रहा है। ये सिस्टम देखिए हिंदुस्तानी का, हम तो पूरा यकीन रखते हैं हमारी यहाँ हुकूमत पे और यहाँ की डेमोक्रेसी पे। आप भी इस भरोसे को तोड़िए मत आवाम के सामने, सीधे तरीके से इलेक्शन लड़िए ताकि आवाम अपना फैसला सही तरीके से कर सके। आप मीडिया पर्सन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो है गरीब के लिए आप लोग ठहरे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय कांग्रेस।